कंगारू मदर केयर एक ऐसी विधि है जो कई सालों में विकसित करी गई है। यह विधि खास तौर पर प्री टर्म या लो बर्थ वेट बच्चों के लिए है। प्री टर्म या लो बर्थ वेट बच्चे वो होते हैं जिनका वजन 2.5 किलो या 2 किलो से कम होता है। कंगारू मदर केयर के बैकग्राउंड में एक बहुत ही रोचक तथ्य है। कंगारू मदर केयर की शुरुआत कोलंबिया देश में हुई थी। कोलंबिया देश जो कि एक विकासशील देश है जिसके पास उतने संसाधन नहीं है, यह वहां के एक डॉक्टर द्वारा शुरू किया गया था क्योंकि वहां पर अस्पतालों में एनआईसीयू के बेड उतने नहीं है, उतने वेंटिलेटर नहीं है, उतने संसाधन नहीं है। तो वहां के एक चिकित्सक ने, बाल रोग चिकित्सक ने यह विधि स्टार्ट करी कि जो भी छोटे बच्चे होते थे 2 किलो से कम के, वो माँ बाप को, स्पेशली माँ को, अपनी छाती में रखने के लिए, गर्म करने के लिए देते थे। तो इससे उन्होंने पाया कि जब एक माँ अपने प्री टर्म या कम वजन वाले बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है या छाती से लगाकर काफी समय के लिए रखती है, तो बच्चे का जो विकास का दर होता है, जो वजन की वृद्धि होती है, तथा जो हॉस्पिटल स्टे का समय होता है या जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो काफी कम हो जाती है। तो इस विधि से जो हॉस्पिटल या बेड के ऊपर जो लोड था वो काफी कम हो गया। इस तरीके से जो संसाधन थे, संसाधन सीमित रहते हुए भी उन्होंने अधिक से अधिक बच्चों का इलाज उन्हीं कम संसाधनों में किया। तो ये तो तथ्य था कि कैसे कंगारू मदर केयर का एक जन्म हुआ। कई देशों ने फिर धीरे धीरे इस पे रिसर्च शुरू करी, तथा जब उन्होंने रिसर्च करी तो ये पाया कि कंगारू मदर केयर एक ऐसा हथियार है या एक ऐसा साधन है जो बहुत ही कम पैसों में या जो बहुत ही कम संसाधन में काफी कमाल का है। अब हम बात करते हैं कि कंगारू मदर केयर से बच्चों में क्या-क्या फायदे हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक जो प्रीटर्म बच्चा होता है या जो एक कम वजन का बच्चा होता है, 2 किलो का, 1.5 किलो का, 1 किलो का, उस बच्चे को जन्म के बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उस बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके फेफड़े पूरे विकसित नहीं होते हैं, उसको दूध पीने में दिक्कत होती है क्योंकि वह ठीक से सक नहीं कर सकता, निगल नहीं सकता, तथा इसके अलावा उसको दूध को पचाने में दिक्कत होती है, उसका काफी वजन कम होता है। और इन सबसे ज्यादा जो एक मेजर दिक्कत होती है वो होती है बच्चा अपना तापमान खुद से नियंत्रित नहीं कर सकता, उसको बार बार उसका शरीर ठंडा हो जाता है, जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में हाइपोथर्मिया। तो जब कई वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया कि कंगारू मदर केयर के क्या-क्या लाभ हैं, तो उन्होंने देखा कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। एक तो चौंकाने वाला नतीजा ये था कि जो जो बच्चे खुद से अपना तापमान नियंत्रित करने में अक्षम थे, वह कंगारू मदर केयर के माध्यम से काफी अच्छे से अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर पा रहे थे। दूसरा, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करने में, माँ का दूध पचाने में दिक्कतें हो रही थी, वो काफी जल्दी से माँ का दूध ग्रहण करने लगे। तीसरा फायदा यह हुआ कि बच्चे का वजन काफी तेजी से बढ़ने लगा, तथा जो हॉस्पिटल का स्टे था वो काफी कम हो गया। अब अगर हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है तो उसके कई लाभ हैं। एक तो जहां पर संसाधन सीमित है, यानी वेंटिलेटर की संख्या सीमित है, बच्चों के बेड कम है, तो वहां पर बच्चे अगर जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होकर घर जाएंगे तो उसी संसाधन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सकेंगे, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि मृत्यु दर संसाधनों की कमी से काफी कम हो जाएगी। दूसरा फायदा ये रहता है, खास तौर पे बच्चों के पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, कि
एक जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है बच्चे के साथ वो काफी अच्छी आती है। आज की तारीख में कंगारू मदर केयर पर इतनी शोध हो चुके हैं, इतने रिसर्च हो चुके हैं, उनके इतने आकर्षक और चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। जैसे कि यह भी पाया गया है एक रिसर्च में कि जिन बच्चों को बचपन में कंगारू मदर केयर मिलती है उनका मस्तिष्क का जो विकास होता है वो काफी अच्छा होता है, यानी बड़े होने पर वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, दिमाग उनका आईक्यू लेवल काफी अच्छा होता है तथा इमोशनली भी वो काफी स्टेबल होते हैं। तो ये थे कंगारू मदर केयर के फायदे। अंत में मैं यह मैसेज देना चाहूंगा लोगों को, कंगारू मदर केयर कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, शहर में, गांव में, दूर दराज, जहां पर चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, जहां पर प्री टर्म या कम वजन का बच्चा, 2.5 किलो से कम वजन का बच्चा पैदा हुआ है, आपके आसपास अस्पताल नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, तो जब तक मेडिकल हेल्प मिलती है तब तक आप कंगारू मदर केयर से बच्चे को गर्म रख सकते हैं। यूजली कंगारू मदर केयर 2.5 किलो से कम बच्चों को दी जाती है, और जब तक बच्चा 2.5 किलो का नहीं हो सकता आप कंगारू मदर केयर कर सकते हैं। किंतु यह कंगारू मदर केयर एक डॉक्टर की सलाह के बाद तथा उसके निरीक्षण करने के पश्चात ही शुरू करनी चाहिए।